Today we will discuss about mechanism of rock fragmentation by blasting, or we can say theory of rock fragmentation by blasting. Rock blasting से कैसे टूटता है, कैसे ब्रेकेज होता है, उसके क्या aspects है वो हम देखेंगे. ठीक है, हम ये चालू करने के पहले दो चीज बताना चाहते हैं. जो आपका एक्सप्लोसिव एनर्जी है, एक्सप्लोसिव में केमिकल एनर्जी है, वो जो एक्सप्लोसिव में एनर्जी है उसको हम दो भाग में बोलते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है शॉक वेव एनर्जी और दूसरा होता है गैस एनर्जी, प्रेशर गैस एनर्जी या गैस प्रेशर एनर्जी. आप लोग को एक्सप्लोसिव का डेफिनेशन बताए थे ना, उसमें क्या बोला था कि सॉलिड एक्सप्लोसिव इज ए सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन चेंज देमसेल्व्स इनटू इंस्टेंटेनियसली इनटू ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. कहने का मतलब क्या हुआ, यदि उसको हम डिटोनेट करते हैं एक्सप्लोसिव को तो वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस करता है, तो यही वो क्या हुआ, गैस प्रेशर एनर्जी. और जब उसका डिटोनेशन करते हैं तो शॉक वेव भी जनरेट होता है. तो एक्सप्लोसिव एनर्जी को हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं, गैस प्रेशर एनर्जी और शॉक वेव एनर्जी में. तो रॉक को तोड़ने के लिए, ब्रेकेज के लिए, फ्रेगमेंटेशन के लिए यही दो एनर्जी काम आता है, उसको हम यहां देखेंगे. देखिए देखिए, ये क्या है आपका, एक ब्लास्ट होल है. ये क्या है आपका, ब्लास्ट होल है. ये क्या है, दिस इज द ब्लास्ट होल. व्हाट इज दिस, दिस इज अ ब्लास्ट होल. इस ब्लास्ट होल में आपने टू थर्ड हम एक्सप्लोसिव फिल करते हैं, चार्ज करते हैं, और वन थर्ड जो रहता है हम स्टेमिंग कॉलम रखते हैं. ये पता है ना, तो ये ब्लास्ट होल है. ठीक है, इस ब्लास्ट होल को क्या किया, इस ब्लास्ट होल में एक्सप्लोसिव है, उसको हमने एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर दिया. अब ब्लास्ट कर देंगे तो क्या होगा, इस होल के अंदर जो एक्सप्लोसिव था उस एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट किया. तो ब्लास्ट किया तो क्या पैदा होगा, कंप्रेसिव वेव इज प्रोड्यूस्ड. क्या होगा, एक कंप्रेसिव वेव पैदा होगा. क्या पैदा होगा, कंप्रेसिव वेव पैदा होगा. और जब कंप्रेसिव, इस ब्लास्ट होल के एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने पर कंप्रेसिव वेव प्रोड्यूस होगा. अब कंप्रेसिव वेव प्रोड्यूस होगा तो कुछ करेगा ना भाई, काम. क्या काम करेगा, वो इस ब्लास्ट होल के आसपास का जो एरिया है यहां के राक को क्रश कर देगा. क्या कर देगा, क्रश कर देगा. किससे, बाय शियरिंग फ्रैक्चर. और इसीलिए ये जो जोन आप देख रहे हैं, ये जोन देखिएगा जिस पे हम पेन चला रहे हैं, ये जो जोन को हम बोल रहे हैं शियर जोन. देखिए कहीं लिखा हुआ है, देखिए शियर जोन. ये क्या है, ये शियर जोन है. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. एक पॉइंट हमने क्या बोला कि व्हेन द एक्सप्लोसिव इज ब्लास्टेड, व्हेन द एक्सप्लोसिव इज ब्लास्टेड कंप्रेसिव वेव इज प्रोड्यूस्ड एंड कॉजिंग क्रशिंग ऑफ द रॉक अराउंड द ब्लास्ट होल. ये ब्लास्ट होल है, इस ब्लास्ट होल के अराउंड में चारों तरफ. ठीक है, बाय शियर फ्रैक्चरिंग, एंड दिस जोन इज नोन एज शियर जोन. यहां तक क्लियर है, क्या बोला, हम कुछ नहीं बोला कि एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट किया तो कंप्रेसिव वेव प्रोड्यूस हुआ, उस कंप्रेसिव वेव ने इस ब्लास्ट होल के चारों तरफ रॉक को फ्रैक्चर कर दिया, और इस जोन को हम शियर जोन बोलते हैं, शियर जोन फ्रैक्चरिंग भी बोलते हैं. ठीक है, इतना हुआ. अब इस जो शियर जोन है, इस जोन में जिसपे हम पेन चला रहे, इसके विद इन दिस
within this shear zone, the compressive wave exceeds the dynamic compressive strength of the rock. इस shear zone के अंदर जो है ये काहे fracture कर दे रहा आपका, compressive wave क्यों fracture कर दे रहा है इस shear zone में, क्योंकि इस जोन के अंदर कॉम्प्रेसिव वेव का ताकत जो है वो रॉक के डायनेमिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से अधिक रहता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत? अब तीसरा, ये जोन के बाहर निकलते हैं हम। अभी तक कहां थे हम? शियर जोन में ही बात कर रहे थे। चार को बात करना है, अभी दो बात हो गया और दो बात बचा है। अभी तक हम शियर जोन में था, अब इस शियर जोन के बाहर जैसे हम बाहर जैसे ही कंप्रेसिव वेव निकलेगा वो कमजोर हो जाता है। अंग्रेजी में उसके लिए एक वर्ड है एटेनुएट्स, ATENUATES, कमजोर पड़ जाना, दुर्बल हो जाना, उसकी शक्ति छिन हो जाए। तो जैसे इस शियर जोन के बाहर के तरफ, मतलब बियॉन्ड द शियर जोन के बाहर के तरफ कंप्रेसिव वेव क्या हो जा रहा है? एटेनुएट्स हो जा रहा है, कमजोर हो जा रहा है। अब कमजोर हो जा रहा है तो रॉक फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, तो रॉक फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। बट क्या होगा, ये देखिएगा, ये ऐसा हम कुछ लाइन बनाए हैं, ये ऐसा बनाए हैं जी, आड़ा टेढ़ा लाइन बनाए हैं। इसको देखिए क्या है, दो जगह दिखा, सब जगह नहीं दिखाई, क्या लिखा है, रेडियल टेंसाइल क्रैक्स ड्यू टू टेंजेंशियल हुप स्ट्रेस। ठीक है, ये शियर जोन के बाहर के तरफ रॉक फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा लेकिन क्रैक्स पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? क्रैक्स पैदा हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोल रहा हूं, रेडियल टेंसाइल क्रैक्स ड्यू टू टेंजेंशियल हुप स्ट्रेस, एंड दिस टेंजेंशियल हुप स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड बाय द कंप्रेसिव वेव, एंड दिस टेंजेंशियल हुप स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइडनिंग आर एक्सटेंशन ऑफ द क्रैक्स। एंड सेकंड वन, गेज प्रेशर हम बोले ना, दो टाइप का एनर्जी होता है, एक शॉक वेव वाला, तो अभी तक शॉक वेव बात चली रहा ना, एक गेज प्रेशर एनर्जी भी ना होता है, तो गेज प्रेशर एनर्जी क्या करेगा, गेज प्रेशर एनर्जी रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ केविटीज, गड्ढा बना देगा अराउंड द ब्लास्ट होल, ब्लास्ट होल के आसपास का जो एरिया रहेगा उसमें क्या करेगा, गैस एनर्जी गड्ढा बना देगा, क्योंकि उसका भी ताकत लगा, जब ताकत लगेगा तो बीच में खाली जगह होगा उसमें गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, यहां तक हुआ। तीसरा, अब ये कहां तक जाएगा, कंप्रेसिव वेव जाएगा कहां, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा, तो इधर क्या बना है, देखिए यहां लिखा है फ्री फेस, ये वाली लाइन को दिख रहा है उधर से, ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोल रहे हैं, फ्री फेस। ठीक है, ये फ्री फेस है ना जी, देखिए इधर लिखा है फ्री फेस, ये शॉक वेव कहां तक गया, फ्री फेस तक गया, और जब फ्री फेस तक पहुंच गया तो इसके आगे अब नहीं बढ़ेगा। फ्री फेस मतलब क्या, एक हम वीडियो भेजे थे फ्री फेस बर्डन स्पेसिंग इमल्शन एक्सप्रेस करके आज से एक महीना पहले, उसमें देखिएगा इधर का माल हम उठा लिए तो इसको तो अब मीडियम ही खत्म कर दिया आपने, जब मीडियम खत्म कर दिया तो क्या होगा, अब शॉक वेव आगे नहीं जाएगा, अब आगे नहीं जाएगा क्या होगा, यहां से बैक हो जाएगा, वापस होगा। ठीक है, क्या होगा, वापस होगा, ये जो डॉटेड डॉटेड हम दिखाए हैं इसको बोल रहे हैं टेंसाइल वेव, देखिए यहां लिखा हुआ है टेंसाइल वेव। ठीक है, अब यहां तक जो शॉक वेव आया प्री फेज तक, अब प्री फेज के बाद क्या हुआ, वापस गया, वापस हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, तो वो हो गया टेंसाइल वेव, और जब टेंसाइल वेव हो गया तो आपको पता है कि रॉक्स जो है टेंशन में वीक होता है, और रॉक अब यहां का क्या हो जाएगा,
इस जगह का रॉक जो है वो फेल कर जाएगा, मतलब टूट जाएगा बढ़िया से, इतना ही है। देखिए क्या बोले अभी तक हम जो कुछ बताए, दो टाइप का वेव है, एक है प्राइमरी वेव या जिसको हम कंप्रेसिव वेव बोल रहे हैं। जैसे आप एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कीजिएगा तो कंप्रेसिव वेव पैदा होगा, वो कंप्रेसिव वेव का क्या करेगा, ब्लास्ट होल के आसपास के एरिया को, कुछ दूरी तक के एरिया को, के रॉक्स को क्रश कर देगा बाय सियर फ्रैक्चरिंग, और उस जोन को हम बोल रहे हैं सियर जोन। ठीक है, सियर जोन में क्यों ऐसा कर पा रहा है कंप्रेसिव वेव, क्योंकि सियर जोन जो हम यहां दिखा रहे हैं, इस सियर जोन में कंप्रेसिव वेव की ताकत ज्यादा होती है रॉक की जो डायनेमिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, इसलिए यहां पे हुआ। अब सियर जोन के जब बाहर आते हैं, बाहर आएगा हमारा कंप्रेसिव वेव तो वो एटेन्यूएट्स होता है, कमजोर होने लगता है और फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, लेकिन क्रैक्स पैदा हो जाएगा। काय के चलते, टेंजेंशियल हुप स्ट्रेस के चलते। और ये टेंजेंशियल हुप स्ट्रेस कहां से आया, इट इज इंड्यूस्ड बाय द कंप्रेसिव वेव, ये कंप्रेसिव वेव के चलते टेंजेंशियल हुप स्ट्रेस पैदा हुआ। ठीक है, इसे क्रैक बना, सीरीज ऑफ क्रैक्स बन गया। अब सीरीज ऑफ क्रैक्स बन गया तो ये टेंजेंशियल हुप स्ट्रेस जो है ये क्या करता है, क्रैक्स को एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है, चौड़ा कर देता है। ठीक है, और जो गैस प्रेशर एनर्जी है वो केविटी फॉर्म करता है। यहां तक हुआ, शॉक वेव जब फ्री फेस तक जाता है तो वहां से टकराने के बाद वापस हो जाता है एज ए टेंसाइल वेव, और इन टेंशन रॉक्स और वीकर एंड इट फेल्स। ठीक है, इतना ही बोला है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रॉक फ्रेगमेंटेशन बाय ब्लास्टिंग। अब इसमें कोई दिक्कत है, यदि दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी बताया है, और इसके बाद भी किसी को समझ नहीं आएगा तो दिक्कत वाला बात है। ठीक है, एक बार हम पूरी चीज को इंग्लिश में बोल देते हैं। ठीक है, क्या क्या बताया, पहली बात, दो टाइप का वेव है, कंप्रेसिव और टेंसाइल वेव, और एक कंप्रेसिव वेव के चलते एक टेंजेंशियल हुप स्ट्रेस भी पैदा होता है। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग से फिगर को देखते हुए क्या बोल रहे हैं, व्हेन एक्सप्लोसिव इज ब्लास्टेड कंप्रेसिव वेव इज प्रोड्यूस्ड एंड कॉजिंग क्रशिंग ऑफ द रॉक अराउंड द ब्लास्ट होल बाय सियर फ्रैक्चर एंड दिस जोन इज टर्म्ड एज अ सियर जोन। इन द सियर जोन द इन द सियर जोन द कंप्रेसिव वेव एक्सीड्स द डायनेमिक स्ट्रेंथ ऑफ रॉक एंड देयर बाय क्रशिंग ऑफ द रॉक ऑकर। नंबर थ्री, बियॉन्ड दिस सियर जोन कंप्रेसिव वेव एटेन्यूएट्स एंड देयर विल बी नो फ्रेगमेंटेशन बट ए सीरीज ऑफ रेडियल क्रैक्स, दीज आर द रेडियल क्रैक्स, बट ए सीरीज ऑफ रेडियल क्रैक्स डेवलप ड्यू टू टेंजेंशियल हुप स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय द कंप्रेसिव वेव एंड दिस टेंजेंशियल स्ट्रेस, दिस टेंजेंशियल हुप स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइडनिंग और एक्सटेंशन ऑफ द क्रैक्स एंड गैस प्रेशर एनर्जी फॉर्म द केविटी। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द शॉक वेव मीट्स द फ्री फेस, इस फ्री फेस से मिलता है तो देन द शॉक वेव गेट रिफ्लेक्टेड एज अ टेंसाइल वेव एंड रॉक इज वीकर इन टेंशन एंड इट फेल्स। दिस इज कंप्लीट थ्योरी ऑफ रॉक फ्रेगमेंटेशन बाय ब्लास्टिंग। ओके।